21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें जर्मनी, जापान, वर्मा और फिलीपींस आदि देशों ने मान्यता दी। आजाद हिंद सरकार की आजाद हिंद फौज ने वर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ी। बताया जाता है कि आजाद हिंद फौज के बनने में जापान ने बहुत सहयोग किया था। आजाद हिंद फौज में लगभग 85,000 सैनिक शामिल थे और इन 85,000 सैनिकों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 1943 में बना था आजाद हिंद बैंक। नेताजी ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो जंग शुरू की थी उसके लिए उन्हें काफ़ी समर्थन भी मिला। लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर चंदा भी दिया। इन पैसे को संभालने के लिए अप्रैल 1943 में एक बैंक भी बनाया गया। उसका नाम था आज़ाद हिंद बैंक, जिसे हम लोग बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। इस बैंक की स्थापना वर्मा की राजधानी रंगून में है और वर्मा को अब म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। बैंक की ओर से 10 रुपये के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपये के नोट तक जारी किए गए थे। 1 लाख रुपये के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। इसके पूर्व तक आज़ाद हिंद बैंक की ओर से 5,000 के नोट की ही जानकारी सार्वजनिक है। 5,000 का एक नोट BHU के भारत कला भवन में अभी भी सुरक्षित रखा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने जापान जर्मनी की सहायता से आज़ाद हिंद सरकार के लिए नोट छापने का इंतजाम किया था। जर्मनी ने आज़ाद हिंद फौज के लिए कई डाक टिकट की जारी किए थे, जिन्हें आज आज़ाद टिकट कहा जाता है। ये टिकट आज भारतीय डाक के स्वतंत्रता संग्राम डाक टिकटों में भी शामिल है।